कि लोग जो मानते हैं कि जो कराची से साइक्लोन घूम गया उसके ऊपर जो भी उसने अपने वीडियो में बात की है, तो क्या ये बुजुर्ग करते हैं? क्योंकि करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। तो इसके ऊपर मैं एक आपको वजाहत करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद बुखारी शरीफ की रिवायत आपके सामने रखूँगा और फिर उसके बाद उसके आपको और मज़ीद कुतुब हदीस में जो रिवायत आती है उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन याद रखें, अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है वो यही है कि अल्लाह ताला ही सब कुछ करता है। कोई बुजुर्ग, कोई वली कादिर नहीं होता। ये बात याद रखें। ये गलत पट्टियां लोगों को पढ़ाई जाती हैं कि अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक, के सुन्नी हजरात के नज़दीक बिलखुसूस इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है कि औलिया कादिर है, खुद कर लेते हैं जो मर्जी चाहे। ऐसी बात नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये वो लोग जो खुद इल्म नहीं रखते सुन्नी हजरात के बारे में वो इस चीज़ों को फैलाते हैं, या जाहिलों के तर्ज अमल को सामने रखते हुए वो इस तरह की बात करते हैं। जैसा कि कुछ लोग आके कमेंट करके गए हैं कि अच्छा तो तुम्हारा ताल्लुक उन लोगों पर से है जो कब्रों की पूजा करते हैं और मज़ार परस्त हैं। यानी इस तरह के लोग जो है ना, ताहा बिन जलील टाइप के जो लोग हैं, इनको जो लोग सुनते हैं या इनके जैसे जो लोग और सोशल मीडिया पे बैठे हैं, वो या तो क्लियरली या हिडन वर्ड्स में इस तरह का मैसेज लोगों को देते हैं, या ये वो लोग हैं जो अमलन कुछ जाहिलों का तर्ज अमल देखते हैं। अच्छा, कभी कभी खुद भी नहीं देखा होता, सब सुनी सुनाई होती है, और वो इसका इतलाक यूं करते हैं कि गोया तमाम सुन्नी हजरात इस तरह की हरकतें करते हैं, और ये उनके इल्म का फुकदान है। ये मैं बड़ी आराम से इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है, आप इतना स्लो क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं वो चर्ब जबानी नहीं करता जो बाकी लोग करते हैं, और मेरा काम है आप तक मैसेज को क्लियरली पहुंचाना, इसलिए मैं स्लो भी गुफ्तगू करता हूँ। तो बहरहाल कहने का मकसद यह है कि अल्लाह ताला ही करता है और अल्लाह ताला ही कादिर है, और साथ ही साथ यहाँ पर बात हो रही है किसी आम आदमी की नहीं, अहले बैत के एक इमाम की बात हो रही है, हसनैन करीमैन की औलाद की बात हो रही है। अब्दुल्ला शाहगाजी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ अहले बैत ही से नहीं थे बल्कि आप शहीद भी हैं, और शहीदों के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि इनको मुर्दा ना कहो, ये जिंदा हैं अपने रब के यहाँ और रिस्क भी पाते हैं, और रिस्क को आप सिर्फ खाने पीने तक महदूद ना समझें, रिस्क एक बड़ा वसी लफ्ज़ है। और इसी तरह अहादीस मुबारका में कसरत से शुहदाए कराम के बारे में बहुत सारी तफसीलात आती हैं कि आलम बरज़ख़ में वो कितनी आला ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अल्लाह ताला के ये ख़ास बंदे, इनके लिए अल्लाह ताला ख़ास उन पे करम फरमाता है और उनकी हिफाजत के लिए ख़ास इंतज़ाम फरमाता है। जब लोग ये कहते हैं ना कि अल्लाह का ये प्यारा बंदा यहाँ दफन है और उसकी वजह से अल्लाह ताला इस बला को यहाँ टाल देता है, तो कभी वो यूँ एक्सप्लेन या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बल्कि वो उसको आम अल्फाज में यूँ कह देते हैं कि हजरत की वजह से ये आफत यहाँ तक नहीं आई। इसका ये कहने का मकसद नहीं होता कि हजरत ने रोक लिया आके, या हजरत जो है वो अपनी कब्र से बाहर निकल के उन्होंने साइक्लोन को पकड़ लिया। ये कोई जाहिल आदमी तो इस किस्म का तसव्वुर रख सकता है, लेकिन साहिब इल्म इस तरह का तसव्वुर नहीं रख सकता। उसका यही मानना होता है कि अल्लाह ताला अपने प्यारों की लाज रखता है और उनकी वजह से उन लोगों पर जो उनके अतराफ व अकनाफ होते हैं उन पर से भी आफतों और बलाओं को टाल देता है, कि टालने वाली जात अल्लाह अज्जा व जल ही की है, तो वो अपने प्यारों की लाज रखता है। और दूसरी बात, आलम बरज़ख़ की सीरीज़ में मैंने आपको समझाई कि आलम बरज़ख़ का मामला ऐसा नहीं है जैसे कि दुनिया का मामला है। कभी कभी आलम बरज़ख़ से अल्लाह ताला बाज़ को ये कुव्वत व ताकत अता फरमाता है कि वो इस दुनिया में टेम्पररी तौर पर आकर वापस चले जाते हैं, और अहादीस मुबारका में अम्बिया के ज़मीन में ज़िक्र भी मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज के लिए आना और दीगर अम्बिया का भी हज के लिए आना, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी कब्र में खड़े रह के नमाज़ पढ़ना और हुजूर का मेराज पे जाते हुए देखना, और अगर आप बाहर से देखें तो कब्र है, इस कब्र में एक आदमी खड़े रह के नमाज कैसे पढ़ रहा है? तो अक्ल जो है उसके बारे में यही इकबाल ने कहा ना कि अक्ल को आस्था से दूर नहीं, इसकी तकदीर में हुजूर नहीं,
अक्ल एक बड़ी लिमिटेड एंटिटी है। आप अगर हर चीज को अक्ल और साइंस के जाविये में नापना तोलना शुरू कर दें तो आलम बरजख, आलम अरवाह और बहुत सारे ऐसे मामलात आपकी और मेरी समझ में नहीं आ सकते। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर बात को अक्ल से समझा जाए। अक्ल सलीम हो और ताबे ईमान हो तो फिर बात समझ में आ जाती है, और अक्ल अगर बागी हो, बगावत कर चुकी हो और ईमान से दूर जा चुकी हो या फहम व फरासत से दूर जा चुकी हो तो फिर वो अटखेलियाँ करती है और गुमराही के रास्ते पर डाल देती है। तो कहने का मकसद यही है कि अल्लाह ताला ही करता है और अल्लाह ताला अपने इन प्यारों की लाज रखता है। इसलिए कहने वाले जब ये कहते हैं तो उनका कहने का यही मकसद होता है। वो कभी कभी उन अल्फाज को उस तरह अदा नहीं करते तो फिर बाज़ लोगों को ये मुगालता रखता है, माज़ अल्लाह फिर वो इन लोगों पर शिर्क शिर्क के गोया मुशरिक हैं ज़्यादातर लोग। ये एक ऐसा थॉट प्रोसेस है, इसीलिए मैंने बार बार कहा कि ये हमारे यहाँ वहाबी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, उसकी ये सोच, ये उसी की वजह से 4 लाख मुसलमानों का उसकी इस सोच की वजह से उस ज़माने में कत्ल हुआ, और उसी सोच को हमारे यहाँ भी लाकर कुछ लोग यही चस्पा करने की कोशिश करते हैं कि गोया इस्लाम सारा के सारा उन्हीं को समझ में आया है और उन्हीं की फहम फिरासत में आया है, और जो उनकी राय से मुख्तलिफ राय रखता है गोया वो मुशरिक है, गोया वो मुसलमान ही नहीं है, गोया वो गुमराह है। तो इसलिए बात बात पर लोगों पर शिर्क के फतवे लगाना, लोगों को मुशरिक समझना, लोगों को गुमराह समझना, ये सही तर्ज अमल नहीं है। और इस तरह के दुरूस देकर आपस में लोगों को तोड़ना और फ़िरका वारियत और फ़िरका बंदी को फ़रोख देना, ये भी सही तर्ज अमल नहीं है। इसीलिए इन वीडियोस के ख़िलाफ़ मैंने वीडियोस बनाई, क्योंकि ये तर्ज अमल ठीक नहीं है। और इस बात को बात करने का एक तरीक़ा होता है, ये तरीक़ाकार नहीं है कि उलमाए कराम को आप साइड पे कर दें, औलिया पर डायरेक्ट चले जाएं और आज के औलिया के ऊपर तंस करें और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह से ऐसी किनाराकशी इख्तियार करें कि आपके लिए वो कोई इम्पोर्टेंट शख्सियत नहीं है, कि आप उनके बारे में बैठे हैं बात करने के लिए और आपको उनके बारे में ही ख़बर नहीं है। तो इस तरह का जो तर्ज़ अमल है वो वही कर सकता है जिसके पास औलिया अल्लाह की ज़बान से इज़्ज़त हो पर दिल से ताज़ीम ना हो, और वही फिर औलिया के बारे में इस किस्म की घटिया मिसालें भी दे सकता है कि 4 जग पिला दूंगा और फिर पेशाब रोक के बताएं। ये बताता है कि ये किस ज़हनियत से आते हैं लोग और इनके दिलों में कितना एहतराम है औलिया का, इनके अल्फाज से ज़ाहिर हो जाता है। आगे ज़्यादा बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके सामने ये प्रोसेस तो समझा दिया कि असल में मसला क्या है और इस मसले को पेश किया कैसे जाता है और किस तरह लोगों को एक दूसरे से मुतनफ़िर किया जाता है। इसलिए मुतनफ़िर करने वालों से इज्तनाब करना ज़रूरी है। अब आइए बुखारी शरीफ की उस रिवायत की तरफ चलते हैं जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। इस रिवायत के पहले टुकड़े को भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और बाकी टुकड़ों को भी शायद सुना हो। इस रिवायत के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? आगे अल्लाह फरमाता है, यानी हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ की रिवायत है और हदीस कुदसी है, और अल्लाह ताला क्या फरमाता है? मन आदली वलियन फ़कद आज़न्तुहु बिलहर्बी, कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। यह आपने सुना होगा। तो गुस्ताख़े औलिया के बारे में ये बड़ी वाज़े बात है। अच्छा, और फिर अल्लाह ताला फरमाता है, और मेरा बंदा ऐसी किसी चीज़ के ज़रिए मेरा क़ुर्ब नहीं पाता जो मुझे फ़राइज़ से ज़्यादा महबूब हो, और मेरा बंदा नफली इबादात के ज़रिए बराबर मेरा क़ुर्ब हासिल करता रहता है, यानी फ़राइज़ से क़ुर्ब मिलता है और नवाफिल के अदा करने से क़ुर्ब में इजाफा भी होता है, इस्तकामत भी आती है। मज़ीद बरा फरमाता है कि जहाँ तक यहाँ तक इस अमल के ज़रिए बंदे की कैफियत ये होती है कि उसमें उससे मोहब्बत करने लगता, यानी वो बंदा इस मुकाम पर पहुंच जाता है कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करने लगता है, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। ये इस्तआरन फरमाया गया है, मतलब इसका ये है कि मैं उसके कानों से गुनाहों को होने नहीं देता और उस तक अच्छी बातों ही को पहुँचाता हूँ,
और अगर वो कोई इस किस्म के मामले में पड़ जाए तो तौबा की तौफीक भी दे देता हूँ। और यही माना अगले जुमले का भी है, और उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है तो बुराइयों को उससे रोक देता हूँ, वो बुराई को बुरा समझ के उससे इज्तनाब करता है, और अगर कभी गुनाह कर बैठे तो तौबा कर लेता है। और इसी तरह फरमाया उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, यानी उसके हाथों से गुनाह नहीं होने देता, और अगर वो कभी कर बैठता है तो तौबा की तौफीक दे देता हूँ। और उसका पांव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है तो वो किसी ऐसी जगह जाता ही नहीं जो गुनाहों का रास्ता हो, और अगर कभी चल पड़े तो तौबा कर लेता है। और फरमाया अगर वो मुझसे सवाल करता है तो मैं इसे ज़रूर अता करता हूँ। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ बताता चलूँ जो इस वीडियो के थ्रू आया कि वो हई नहीं है। तोहा बिन जलील ने अपनी वीडियो में ये कहा कि जो कब्र में है वो हई नहीं है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो नजदियों का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने कहा कि ये नजदी थॉट प्रोसेस आप तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये बता नहीं रहे कि हम उस थॉट प्रोसेस को आपके अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये नजदी थॉट प्रोसेस, वहाँ भी थॉट प्रोसेस, ये वहाँ से इम्पोर्ट होकर रीपैकेज होकर आप तक टी शर्ट और पैंट और पी कैप में और महंगे माइक्स और स्टूडियोज के थ्रू आ रहा है, तो इससे ज़रा एहतराज़ करें। क्योंकि अव्वल बात तो ये है कि यहाँ जिस शख्सियत की बात हो रही है, जिनको मौजू बना कर ये पूरी वीडियो बनाई गई ताकि औलिया के ऊपर टॉन्ट किया जा सके, ये आप समझे, इस मकसद को समझे कि ये बात है ना कि कुछ अच्छी बातों को कुछ अपने मकसद के साथ खल्त मल्त करके लोगों तक पहुंचाओ। आपने इसको समझना है, ये बड़ी प्लान्ड किस्म की मूवमेंट है। तो इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह तो शहीद हैं, और शहीद के बारे में कुरान क्या कहता है कि वो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा है, और आपने तो कहा कि वो मर गए हैं, तो ये तो कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़ बात कर दी आपने। और जहाँ दीगर औलिया और सालेहीन की बात है तो फिर लगता है कि आपके इल्म को अभी कुछ और किताबों की ज़रूरत है, आप ज़्यादा इधर उधर ना जाएं, आप इब्ने क़य्यिम ही को उठा के पढ़ लें, उनकी किताब रूह कभी अगर मौका मिले तो उठा के पढ़ लें, अरबी में भी मिल जाएगी उर्दू में भी मिल जाएगी। और क्यों मैं इब्ने क़य्यिम का क्यों नाम ले रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इस थॉट प्रोसेस के लोग होते हैं जिन्हें आप वहाबी, नजदी, अब्दुल वहाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के फॉलोअर्स हो गए, इनके यहाँ इब्ने क़य्यिम का एक मुकाम है। क्यों, उसकी वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पर कुछ लड़ियाँ जाके आगे इब्ने तैमिया से मिलती हैं। तो इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम, इसी तरह इब्ने कसीर, ये तमाम लोगों को ये बहुत वैल्यू देते हैं। इसलिए इब्ने क़य्यिम की कभी किताब रूह उठा के पढ़ लें, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आलम बरज़ख़ से मुतालिक क्लियर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप चीज़ों को उस तरह न लें जिस तरह आप ज़ाहिरी दुनिया में लेते हैं, इसलिए इस मामले में ज़रा इल्म हासिल करें बजाय इसके कि आप कम इल्मी से लोगों को गुमराही में डाल दें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसे ज़रूर अता करता हूँ जब वो मुझसे सवाल करता है, और दूसरी बात, और अगर वो मेरी पनाह मांगता है तो मैं ज़रूर उसे पनाह देता हूँ। अब जब एक शख्स शहीद है तो अपनी कब्र में ज़िंदा है, और चूंकि रूह जो है उसका इस तरह का मामला नहीं है जिस तरह इस दुनिया में हमारा मामला है, वो आलम बरज़ख में है, इट इज़ मोर अवेयर देन यू एंड आई, वो चीज़ों को देखती है, वो देख रही है रूह कि एक साइक्लोन इस तरफ बढ़ रहा है, और वो ज़िंदा भी है, तो क्या ख्याल है, क्या वो अपने रब से कब्र में दुआ नहीं कर सकती, क्या कब्र में दुआ करने की ममानियत है? जब कब्र से सहाबी रसूल के कुरान पढ़ने की रिवायात भी आप तक पहुंची है नहीं पहुंची मुझे नहीं पता, लेकिन सूरह मुल्क के फ़दाइल में ऐसी रिवायात मौजूद हैं जहां सहाबी ने एक और सहाबी का उनकी कब्र से कुरान का पढ़ना सुना, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र भी किया। बड़ी तवील हदीस है, इसमें मैं नहीं जाता। तो जब वहाँ से, जहाँ पर इबादत लाजम भी नहीं है और बज़ाहिर कब्र है, तो इसका माना क्या हुआ कि वो आलम इस आलम से बहुत जुदागाना आलम है। इसलिए हमें अपनी अक्लों को नहीं दौड़ाना चाहिए वहाँ पर ज़बरदस्ती, जहाँ वो चल नहीं सकती, क्योंकि अक्ल महदूद है, इल्म भी महदूद है। तो इसलिए अगर इल्म नहीं है तो फिर उन मैदानों में गुफ्तगू न किया करें कि यू बिकम अ लाफिंग स्टॉक, और इफ़ यू डू नॉट बिकम अ लाफिंग स्टॉक एंड पीपल दैट यू आर प्रीचिंग टू, जिन लोगों को आप सीख दे रहे हैं, जिनको आप सिखा रहे हैं, अगर वो नहीं जानते तो फिर वो आपकी कम इल्मी की वजह से गुमराही का शिकार होकर बाहर जाकर लोगों से उलझ पड़ेंगे अपनी कम इल्मी की वजह से, और फिर इंतशार होगा, फसाद होगा। तो इसलिए
अगर वो मेरी पनाह मांगता है, अल्लाह कहता है, तो मैं इसे जरूर पनाह देता हूं। इसमें यह शर्त नहीं है कि सिर्फ इस दुनिया का मामला होगा। और फरमाता है, मैंने जो काम करना होता है इसमें मैं कभी इस तरह मुतरद्दिद नहीं होता, तरद्दुद नहीं करता, तामुल नहीं करता, जैसा कि बंदाए मोमिन की जान लेते हुए होता हूँ। यानी कि अल्लाह ताला जानता है कि भाई कुल्लु, अल्लाह ताला ने ये लॉ बनाया है कि कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत, हर जीरो को मौत का मजा चखना। अब जब मोमिन पर यह मामला आता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसे मौत पसंद नहीं और मुझे उसकी तकलीफ पसंद नहीं। यानी कि एक तकलीफ है ना मौत की, उस मौत की तकलीफ से गुजरना एक खुद तकलीफ है। तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं कि वो मोमिन जो अल्लाह की इतनी इबादत करता हो, इतना कुर्ब रखता हो, उसे जरा सी भी तकलीफ हो, और स्पेशली मौत के मामले। तो बहरहाल ये और तफसीलात भी हैं, इसकी शरह में हम नहीं जाते, मैंने सिर्फ लफ्जी माना आपको समझाए हैं, इसकी शरह नहीं बयान की मुकम्मल तौर पे। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है और सही में इसे इमाम बुखारी लाते हैं किताब अर-रिफात में, हदीस नंबर 6137। इमाम बुखारी के अलावा इसे इमाम इब्न हिब्बान भी सही में लाते हैं, जो एक और दर्जा सही की किताब है, उसमें हदीस नंबर 347। इमाम बैहकी इसे सुननुल कुबरा में लाते हैं, और इसको किताब अज़्ज़ुहद अल कबीर में भी रिवायत किया गया है, हदीस नंबर 696। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के 20 मिनट के करीब वक्त तो मैंने ले लिया, लेकिन बात आपको समझ में आ गई होगी कि असल में मसला यहाँ पर क्या है, किस तरह इसे बयान किया जाता है, असल में अकीदा क्या होता है, और उस अकीदे को एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, और सुन्नी हजरात को बदनाम करने के लिए कभी दबे लफ्जों कभी खुले लफ्जों किस तरह साजिशें करके लोगों को एक दूसरे से मुतनफ़िर करके फसाद किया जाता है। इस्लाह और चीज़ होती है, और पूरी के पूरी एक मकतबा फ़िक्र पर किसी लेबल को चस्पा कर देना कोई और चीज़ होती है। आप ही की वीडियोस के नीचे से ऐसे लोग मेरे पास आए जिन्होंने इस किस्म की बातें की हैं, तो मालूम ये होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग आपके सुनने वालों में शामिल हैं जिनके ख्याल में, अगर आपके ना सही, जिनके ख्याल में आपके नज़रिए से मुख्तलिफ जो नज़रिया रखने वाले जो मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज़ हैं, या मेजॉरिटीज ऑफ द इंडियंस हिंदुस्तानी हैं, या बांग्लादेशी हैं, जो सुन्नी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, ये स्पेसिफ़िकली अगर बरेली मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनके नज़दीक गोया गुमराह लोग हैं। और ये एक ऐसी सोच है कि जिसको फ़रोग देने के लिए आप मोरिज़े इल्ज़ाम भी ठहरते हैं। अगर आप सही मानों में खिदमत कर रहे हैं तो आपको ऐसी सोच को बदलने के लिए ओपन ब्लैंक स्टेटमेंट्स लूज स्टॉक्स नहीं करनी चाहिए। यही मेरा मैसेज है तौबिन जलील साहब को भी, और उनके ग्रुप को भी, और इस तरह के थॉट्स रखने वालों को भी, और वो लोग जो किसी वजह से अगर किसी गलत कॉन्सेप्ट को शिकार हो गए कि माज़ अल्लाह डायरेक्टली यही साहिबान कब्र जो है वो कादिर हैं कुछ भी करने पर, तो उनकी भी इस्लाह हो कि मामला ऐसा नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद कादरी।